बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रमुख लड़ाई है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल वाली सरकार है। इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होने में अब काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले कांग्रेस हाईकमान की ओर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक की जा चुकी है, जिसमें कांग्रेस ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों पर बीजेपी कर रही ज्यादा फोकस। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023 के आखिरी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि इस बार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय चुनाव समिति के साथ चुनावी राज्यों को लेकर अहम मंत्रणा करनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इसके लिए बैठक में पार्टी की ओर से 20 अगस्त को शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा सकता है। हालांकि भाजपा चुनाव को लेकर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती है, इसलिए अभी से वो राज्य की हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी सितंबर में हारी हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने पर विचार कर रही है, जिससे उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाने का वक्त मिल सके। छत्तीसगढ़ में जीत के लिए बीजेपी का ABCD प्लान। छत्तीसगढ़ में जीत के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना नया ABCD प्लान बनाया है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी ABCD में बांटा है। इसमें ए कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जिनमें भाजपा ने हर बार जीत दर्ज की है, जबकि बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिनमें पार्टी को कभी जीत तो कभी हार का भी सामना करना पड़ा है। सी कैटेगरी में पार्टियों ने उन सीटों को शामिल किया है जहां पार्टी अभी कुछ कमजोर है, जबकि डी कैटेगरी वो सारी विधानसभा सीटें हैं जिन सीटों पर पार्टी को कभी जीत का स्वाद नहीं मिल सका है। केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल पार्टी नेताओं ने बी और सी कैटेगरी की 22 सीटों के साथ ही डी कैटेगरी की 5 सीटों पर ज्यादा फोकस दिया है। इसमें शामिल सीटों पर पार्टी ने जीत के लिए अहम रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर भाजपा नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है जिनमें जाति विशेष पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो कि किन क्षेत्रों में किन जाति के मतदाताओं पर पार्टी की अच्छी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी की इस बात को बखूबी जानती है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके चलते पार्टी ने अभी से विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर राज्य में जीत के दावे को मजबूत कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी एकजुट होकर एक मंच पर आकर मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा का शोर सदन के मानसून सत्र में काफी ज्यादा सुनाई दिया, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार मोदी सरकार पर हमलावर बना हुआ है। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफी दमदार भाषण रहा, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्ता पक्ष का बचाव करते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया। तो वहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए बिल पर भी पूरा विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार का विरोध करता दिखाई दिया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में से किसकी जीत होती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों के विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफी ज्यादा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।